इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गुरुवार को चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा देने वालों के नामों की लिस्ट जारी कर दी है। आयोग द्वारा सार्वजनिक किए गए आंकड़ों से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिस कंपनी के खिलाफ मार्च 2022 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जांच की थी। उस कंपनी ने 1350 करोड़ की चुनावी बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक दलों को चंदा दिया। 2019 और 2024 के बीच राजनीतिक दलों को टॉप 5 चुनावी बॉन्ड डोनर्स में से 3 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने ईडी और आईटी जांच का सामना करने के बावजूद बॉन्ड खरीदे हैं। इनमें लॉटरी कंपनी फ्यूचर गेमिंग, इंस्ट्रक्चर फॉर मेगा इंजीनियरिंग और माइनिंग कंपनी वेदांता शामिल है। फ्यूचर गेमिंग वही कंपनी है जिसके खिलाफ मार्च 2022 में ईडी ने धन शोधन के आरोपों की जांच की थी। इस कंपनी ने 2 अलग अलग कंपनियों के जरिए 1350 करोड़ से अधिक के चुनावी बॉन्ड खरीदे। ईडी ने 2019 की शुरुआत में फ्यूचर गेमिंग के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी। उस साल जुलाई तक उसने कंपनी से संबंधित 250 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली थी। 2 अप्रैल 2022 को ईडी ने मामले में 409 करोड़ 52 लाख की संपत्ति कुर्की थी। इन संपत्तियों की कुर्की की 5 दिन बाद 7 अप्रैल को फ्यूचर गेमिंग में चुनावी बॉन्ड में 100 करोड़ रुपए खरीदे। ईडी ने 22 जुलाई 2019 को एक बयान में कहा, मार्टिन और उनके सहयोगियों ने 1 अप्रैल 2009 से 31 अगस्त 2010 की अवधि के लिए पुरस्कार विजेता टिकटॉक के दावे को बढ़ाकर 910 करोड़ 3 लाख का वैध लाभ कमाया। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर एसबीआई ने कहा था कि 1 अप्रैल 2009 से 15 फरवरी 2014 के बीच अलग अलग मूल्य वर्ग के कुल 22,217 चुनावी बॉन्ड जारी किए गए। इनमें से 22,030 को राजनीतिक दलों ने भुनाया। सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद एसबीआई ने मंगलवार को चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा देने वालों का विवरण भारतीय निर्वाचन आयोग को मुहैया कराया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने 12 मार्च को आयोग के साथ आंकड़े साझा किए थे। एसबीआई चुनावी बॉन्ड का ऑथोराइज्ड डीलर था। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को उसकी वेबसाइट पर आंकड़े अपलोड करने के लिए मार्च 15 शाम 5 बजे तक का समय दिया था। निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से मिली समय सीमा से पहले बॉन्ड के जरिए चंदा देने वालों के नामों की जानकारी अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दी। आयोग ने अपनी वेबसाइट पर 2 फाइल का ब्यौरा दिया। इसमें एक में चंदा देने वाले का नाम रकम है, जबकि दूसरी फाइल में चंदा लेने वाले राजनीतिक दलों और रकम का ब्यौरा है। सामने आई लिस्ट से साफ होता है कि राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले स्टील लक्ष्मी मित्तल से लेकर एयरटेल की प्रवर्तक अरबपति सुनील भारती मित्तल के अलावा वेदांता समूह के अनिल अग्रवाल, आईटीसी महेंद्र एंड महेंद्र के अलावा फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज के नाम प्रमुख रूप से है। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।